येस गुड मॉर्निंग एवरीवान आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले तो आज है आपका छब्बीस अप्रैल और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो लास्ट वीक गया यानी कि एलेवे से लेकर छब्बीस तो ये जो पंद्रह दिन का आपका गैप था उस बीच में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं तो अप्रॉक्स आज काफ़ी क्वेश्चन हैं मेरे पास तो हम लोग देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर्स याद हैं बस दैट इज़ द थिंग और गाइज आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है कुछ बच्चे वेट कर रहे थे मैं देख रही थी है ना तो कमेंट भी देख रही तो थी आप लोगों का चलें बढ़िया तो लेट्स स्टार्ट द सेशन बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि अभी ना लाइव क्लासेस जितने हैं आपके जैसे आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि महापैक पे डबल वैलिडिटी फिर आप सोचते होंगे कि मैम अगर मुझे सिर्फ ये वाला बैच लेना है तो वहाँ पैक पर डबल वैलिडिटी आपको कोई फ़ायदा कर नहीं रहा है तो हम लोगों ने क्या किया है कि लाइव क्लासेस पर डबल वैलिडिटी यानी अगर आप सिर्फ एफ कैट का बैच लेना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ एमपी सब इंजीनियर का बैच लेना चाहते हैं या कोई भी पर्टिकुलर जो आप बैच लेना चाहते हैं उस पर डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है कोड है वाई 332, इसको यूज़ करें और डबल वैलिडिटी ऑफर का क्या आनंद उठाएं है ना तो देखिए हमेशा महापैक लिखा रहता था आज है ऑन लाइव क्लासेस तो वाई तीन आपका कोड है आज आप इसको यूज करेंगे वैलिड ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए है और डिफेंस का डबल डोज वही शुरू हो चुका है एफ कैट सी डी एस सी ए पी एफ सी एस एफ एन डी ए सब के लिए डिफेंस का डबल डोज शुरू हो गया है चले बढ़िया तो इसमें आप जानते ही हैं वैसे महापैक में भी डबल वैलिडिटी तो इसमें आप जानते ही हैं कि ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे है ना यस सो लेट्स स्टार्ट नाउ द सेशन ये जितने भी इंजीनियर और जेई का बैच है उसमें भी डबल वले, डबल वैलिडिटी है तो पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई था कि पोसोकॉ पोसोको जो टाइप है ये आईआईटी दिल्ली का है रिसर्च करने के लिए तो बेसिकली आईआईटी दिल्ली के साथ इसने टाइप किया है 24 अप्रैल को आप जानते हैं कि 1992 24 अप्रैल के दिन ही पंचायत तो था लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो ये हो गया आपका नेशनल पंचायती राज डे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है ये फ़ोटो किस चीज़ के बारे में तो बेसिकली आपका बताया जा रहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एन ने स्विफ्ट द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया पी आर एस आई पब्लिक रिलेशन अवार्ड्स 2022 और ये चार कैटेगरी में हो रहा है और चार कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये अवार्ड्स के बारे में आई डोंट थिंक सो कि इतना इम्पोर्टेंट है पर न्यूज़ में था तो मैंने आपको बता दिया ये व्यक्ति कौन है ये व्यक्ति जो है इनका नाम है अश्विन यारदी और ये को एज अ को चेयर सी ऑफ कैप जेमिनी इंडिया कैप जेमिनी इंडिया ज्वाइंस यूनिसेफ़ युवाद बोर्ड तो बेसिकली जनरेशन जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया जो युवा लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा और उनको फेलिसिटेट करने के लिए इंथोजियाज करने के लिए यशविन यार्दी जो हैं उन्होंने ये बोर्ड ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट न्यूज़ राजीव कुमार अब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नहीं हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और नए चेयरमैन आपको पता ही है कि सुमन बेड़ी हैं ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है जितना भी डेलीगेट लोग मीटिंग करते हैं तो ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल आपके लिए मनाया जाता है महाराष्ट्र में बेस्ट यानी कि मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ये पूरा डिजिटल हो गया है यानी टिकट वगैरह सब अब यहाँ पे डिजिटल हो गया है 24 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस होता है मल्टी एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस और 25 अप्रैल को आपका मलेरिया डे होता है बाकी नेशनल न्यूज आपको पता ही है कि मोदी जी चेयर करेंगे मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आज कल सत्ताईस अप्रैल को रायसेना डायलॉग्स जो हर बार होता है दिल्ली में वो कल हुआ सेवेंथ एडिशन इसका मोदी जी इनाग्रेट करने वाले हैं सात कैंसर हॉस्पिटल्स जो कि असम में ये इनाग्रेट करने वाले हैं डिब्रूगढ़ में 28 अप्रैल को और पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में पहली बार आने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर इनका नाम हाँ तो फॉरेन मिनिस्टर सोल सोलोवेनिया के भी आने वाले हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ए, एस जयशंकर जी से मिलने वाले हैं रायसेना डायलॉग में इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन यूपी रामपुर तो अमृत सरोवर जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में बनने वाला है ओमान हेल्प्स इन रिलीज़ ऑफ सेवन इंडियन फ्रॉम येमिनी कैपिटिविटी तो यमन में जो हमारे सात लोग वहाँ पे कैप कैपिटिव सेंटर्स में हैं ओमान ट्राई करने वाला है कि वो रिलीज़ हो जाएं इंडिया सस्पेंड्स टूरिस्ट वीज़ाज इशू टू चाइनीज नेशनल्स तो जो हम लोग चाइनीज को देते थे टूरिस्ट वीज़ा उसको बंद करने वाले हैं मोदी जी जो हैं वो कोविड रिव्यू मीटिंग को चेयर करेंगे सारे चीफ मिनिस्टर के साथ कल सत्ताईस अप्रैल को नेक्स्ट इमानुअल मैक्रॉन ने जीत लिया है फ्रेंच इलेक्शन बिकम्स फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट टू विन अ सेकेंड टर्म इन टू डिकेट्स तो अभी तक 20 साल के अंदर बहुत सारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने दो बार वो टेन्योर में नहीं रहे और इमान्युअल मैक्रॉन जो हैं उन्होंने जीत लिया है थैंक यू कंप्यूटर जी बहुत बड़ा काम कर दिया आपने ठीक है हाँ तो इन्होंने जीत लिया है उसके बाद यूएस ने अनाउंस किया है न्यू मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को ये देने वाले हैं और डिप्लोमेटिक पुश इन वॉर वॉर रेज जो आप जानते हैं कि अभी वॉर रेज हो चुका है यूक्रेन पे अभी भी चल रहा है रशिया द्वारा तो यूएस उनको हेल्प करने वाले हैं सिंगापुर मूव्स पास्ट कोविड एज सिंगापुर अलायंस एक्सपैंड पैसेंजर कैपेसिटी टू इंडिया ठीक है तो अभी अभी सिंगापुर ने जो कैपेसिटी था उनका वो बढ़ाया था लेकिन अब उस पर फिर से रिव्यू होने वाला है और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहाँ के होम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं वो कीव जाएंगे यूक्रेन यूक्रेन का कैपिटल कीव ठीक है बाकी न्यूज़ आप जानी गए तो वो लोग यहाँ पे जाएंगे उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है नेक्स्ट है कि द क्रू ऑफ फर्स्टली फुल्ली प्राइवेट मिशन यानी कि पूरी तरह से प्राइवेट मिशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ये डिपार्ट हो चुका है और ये अर्थ ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी टू हेड बैक टू अर्थ और निकार का गोवा क्लोजेज ऑफिस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट इन द कैपिटल ऑफ माना गोआ एनाउंसर इज विड्रॉल फ्रॉम द ब्लॉक तो बेसिकली निकार का गोवा कैपिटल माना गोआ ये यहाँ से विदड्रॉ करना चाहते हैं जो इनके नाटो अलायस ठीक है थीके? अब है स्पोर्ट्स न्यूज ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन ठीक है आप लोग का कमेंट हम देख रहे हैं डोंट फटी फिर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्या है कि के राहुल इक्वल्स रोहित शर्मा रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज बाय इंडियन प्लेयर्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट तो के राहुल और रोहित शर्मा जो रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा सेंचुरी की थी अब के राहुल ने उसको इक्वल कर दिया है मैक्स वर्स्टपन जो कि आप जानते हैं एफ रेसिंग गाड़ी चलाते हैं विंस इमिलिया रोमांोमा जीपी फड़ाड़ी फ्लाटर ये जीत चुके हैं मार्क्स वर्सन उसके बाद एंड्रे रुबलेव ने नोवा जोकोविच को हरा दिया है किस चीज के लिए सर्बिया ओपन जीत लिया है एंड्रे रुबले, रुबलेव ठीक है दीपक पुनिया सेटल्स फॉर सिल्वर अगेन आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट नाम बहुत कट खत, खतरनाक है तो बेसिकली एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है ये है आपके न्यूज़ हेडलाइंस चले तो गई ये तो हो गया आपका न्यूज़ हेडलाइन अब मुझे आज चेक करना है कि क्या आपको कुछ करंट अफेयर्स याद हैं या नहीं तो लेट्स चेक और हर दस क्वेश्चन पे आप लोग अपना स्कोर बताइएगा वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग मैम सी ए पी एफ अटैक बैच में सभी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है हो पाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है लेकिन थोड़ा और पढ़ने के लिए आपको पेड़ में आना पड़ेगा ठीक कल शिखर धवन सेकेंड इंडियन बैट्समैन बने 6000 हजार रन बनाने वाले टी ट्वेंटी में ठीक है शहदाब का आंसर आया है डी और रजत का आंसर आया है ए उपासना कह रही है ए रोहित कह रहे हैं है एस्टोनिया शहदाब सोमालिया चैतन्य एस्टोनिया और सोमालिया दो आंसर आ रहा है लोकेश जो है वो जर्मनी कह रहे हैं तो देखिए हमारा सवाल ये है कि इन विच कंट्री विल नेटो लॉन्च साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉग शील्ड कौन सा ऐसा देश है जहां पर नेटो नेटो जो कि अमेरिका का अलायंस है वो साइबर डिफेंस सेंटर खोलने वाला है ये एस्टोनिया में ठीक है तो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फायर साइबर डिफेंस सिस्टम और ये एस्टोनिया में होने वाला है ठीक है तो जिनका आंसर एस्टोनिया था सही है कल हमने आपको बताया था कि ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसको बाईस सिलेक्ट किया गया है तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कितने लोगों को याद है आज थोड़ा रिविजन होगा ठीक है एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री है बिल्कुल लातविया और लुथेनिया के साथ ओके okay. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है, प्लीज हैं मैम प्लीज़ आंसर पच्चीस हैं मतलब नंबर अगर देखोगे तो तुम्हारा ट्वेंटी टू है लास्ट वाला ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बोल रहे हैं आप जैसे फोर ए को ऐड करेंगे नाइन ए नाइन बी सेवन को हटाएंगे तो ट्वेंटी फाइव है ठीक है तो ये आंसर तो काफ़ी इजी है कि बबीता सिंह जी को यहाँ पे ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनाया गया है अगला सवाल आपके सामने है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा जेठा लाल वाली बबीता ओहो oh. तो विच इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैज बीन एवॉर्डेड सिक्स एंटरप्रेनियर लीडरशिप अवार्ड तो ये आपको पता है कि ये विवेक लाल जी हैं इनको ही बनाया गया विवेक लाल राइट नेक्स्ट सवाल विवेक लाल वाला आंसर आप लोग बहुत स्लो में दे रहे हैं मजा नहीं आया नेक्स्ट सवाल है कि कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको चूज किया गया है फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 हज़ार बाईस एलमैंक रिसेंटली तो पांच क्रिकेटर में कौन से दो इंडियन क्रिकेटर को सेलेक्ट किया गया है तो ये आपको पता है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह बॉलर हैं रोहित शर्मा बैट्समैन हैं नेक्स्ट भीम यूपीआई पेमेंट हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली तो भारत में तो था ही भीम यूपीआई अब ये और किस कंट्री में हो चुका है ईरान श्रीलंका यूएई या फिर सुडान क्या होगा इसका आंसर भारत में तो है ही अब और किस कंट्री में यह हो चुका है स्टार्ट ओके okay. पूजा विपिन करण चैतन्य शहदाब हिल राइडर आंसर है यू ए वेरी गुड यू ए इसका आंसर है न्योपे टर्मिनल अक्रॉस यू ए भीम यू पी यू पी आई इज नाउ लाइव तो ये न्योपे एक कंपनी है यू का और भीम यू इनको असिस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने एक स्टेट में क्या किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एन सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू सेटअप इंटरनेशनल डेटा सेंटर पर कहां पे ये खोला गया है ठीक है तो ये आपका त्रिपुरा में है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है एन के साथ यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और किसके साथ सी एस सी ये डेटा सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक है मलेरिया डे मलेरिया डे किस दिन होता है ये जो मलेरिया दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से लक्ष्मी बता रहे हैं ठीक है मिस्टर कांत हैं राजा मिश्रा जी हैं अंजू हैं पूजा हैं अमन कुमार अमन है ओके okay, पूजा राव अलग हैं मनीष हैं क्षमा हैं तो इसका भी आंसर आपको पता ही है ये कि पच्चीस अप्रैल को मलेरिया के खिलाफ हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये 2008 से हो रहा है पहली बार सिंस मलेरिया को ऑब्ज़र्व किया गया था मलेरिया डे को ऑब्ज़र्व किया गया था और ये अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एस ट्वेंटी एट ये आपका क्या है इंटर कॉन्टीनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है क्या आपको ये याद है कि ये किस कंट्री का है आर एस ट्वेंटी एट सरमत तो ये आपका रशिया का है अब देखिए ये हो गया आपके आठ क्वेश्चन अब आपके नए क्वेश्चन शुरू होंगे तो पहले आप आठ क्वेश्चन में बताइए कि आपको आठ में क्या आठों का आंसर याद था क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं क्या आठ में आठ क्वेश्चन का आंसर आपको याद था एट बाई एट सबका स्कोर है ना एट बाई एट तो एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर आठ आया है सबको या एक दो क्वेश्चन इसमें भी मिस हुआ है हमको लगता है कि फर्स्ट ही क्वेश्चन एस्टोनिया और सोमालिया में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था और यू वाले में भी कुछ कन्फ्यूजन था चलिए परफेक्ट आठ आया है शहदाब को छः उप, उपासना आठ ठीक है कंचन सात नितिन सात छः भी आया है चलिए ठीक है छः भी आया है कुछ लोगों को ओके okay. सात और आठ मैक्सिमम है तो ठीक है स्कोर अच्छा है अब हम लोग एक सेट शुरू करते हैं जिसमें दस क्वेश्चन रहेंगे अब उसमें आपको कोशिश करना है कि दस में दस तो ग्यारह अप्रैल का ये क्वेश्चन है अब आप बताएं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस डे में आप लोग कन्फ्यूज़ करते हैं इसलिए डे का कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लाएँ तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है जो न्यू है कैडेट डीके उनको भी छे आया है वेरी गुड लेट ज्वाइन किया है महेश इसलिए इनको चार आया है कोई बात नहीं क्वेश्चन स्किप हुआ है तो कोई बात नहीं ठीक है तो एक गलत हुआ है ठीक है तो मैक्सिमम लोगों को अब आठ आने लगा है ठीक है तो ये छह अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस अप्रैल को मनाया जाता है ये आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2004 से मनाया जा रहा है सबसे पहले आपको पता एथेंस ग्रीस में होता है एटीन है यूनाइटेड डे ऑफ कॉन्साइज ठीक है अंतर आत्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइज तो ये आपका पाँच अप्रैल को होता है ठीक है पाँच अप्रैल को ये होता है कोशिश करेंगे कि सारे लोग सही आंसर देंगे परफेक्ट टेन चाहिए हमको सबसे ठीक है तो ये अप्रैल होता है अंतरात्मा दिवस नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि थर्ड हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड तो भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म है और वर्ल्ड में ये थर्ड हॉटेस्ट सिटी है क्या नाम हो सकता है इसका स्किप भी कर रहे हैं स्किप मत करिए अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जब नेगेटिव मार्किंग रहेगा तब स्किप करेंगे ठीक है तो ये आप बताएंगे इसका नाम क्या है ये तो याद है आप लोगों को सबको याद है मुझे पता है चंद्रपुर इसका नाम है चंद्रपुर राइट तो ये आपका थर्ड हॉटेस्ट सिटी है नागपुर आल्सो द हॉटेस्ट सिटी इन विदर्भ एरिया और अकोला फॉलोड बाय अकोला ठीक है तो ये सारे आपके हॉट सिटी हैं और पूरे वर्ल्ड में ये आपका माली में है हॉटेस्ट इज इन माली ठीक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक एक किताब है और ये बुक हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप बता सकते हैं कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है सुकुमार सेन या फिर गुहा जी या चंद चंद सॉरी चक्रवाल या मोहन तो या आंसर आपको पता है कि आलोक चक्रवाल जी जो हैं उन्होंने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पर किताब लिखी है और ये इनके स्ट्रगल के बारे में बिरसा मुंडा को बोंगा का अवतार मानते थे माना जाता था कि किसी को कोई भी रोग है उनको छुआ जाए तो बिरसा मुंडा द्वारा तो वो ठीक हो जाएंगे ठीक है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यू फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि जो सबसे हाइस्ट लेवल के आपके ऑफिसर्स होते हैं यू पी एस सी द्वारा आई एस आई पी एस आई आई एफ एस तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं सेक्रेटरी बन जाते हैं तो फॉरन सेक्रेटरी जो है उनका नाम क्या है कावात्रा विनय मोहन कावात्रा न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कमान यार चेयर आप थोड़ा और स्पीड में आंसर बहुत स्लो आ रहा है आंसर तेरा नया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बना है कर्नाटका आंध्र प्रदेश हरियाणा वेस्ट बंगाल तो इसका आंसर तो ऑब्वियस आंसर है कि ये आपका आंध्र प्रदेश में बना है थोड़ा और स्पीड में आंसर दीजिए मेरे पास सौ क्वेश्चन हैं हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है तो ये आंध्र प्रदेश है वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है ठीक है फिर आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज यानि कि जितने भी ऑफिसर्स हैं इनका सैलरी इस बैंक में आएगा तो क्या ये एच डी एफ सी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है यस yes बैंक है यस एस बी आई है तो ओब्वियसली सरकारी बैंक ही रहेगा एस बी आई बैंक जितने भी आपके सी ए पी एफ वाले जवान होते हैं बी एस एफ और ये सब जितने भी हैं उनका सैलरी आपका एस बी आई में आएगा ठीक है टाटा ग्रुप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसका सुपर मोबाइल सुपर ऐप है ये कौन सा है टाटा पे टाटा न्यू टाटा पास या टाटा टैप हरियप तो आंसर क्या है इसका टाटा न्यू टाटा न्यू जो है इनके एप्लीकेशन का नाम है चलें नेक्स्ट शी ऑटो यानी कि विमेन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ऑटो में जब जाती हैं तो वो सेफ रहे इसके लिए किस स्टेट ने काम शुरू किया है शी ऑटो के नाम से तो ये आप बताइएगा तो शी ऑटो जो है ये आपका आंध्र प्रदेश चित्तौर जो एरिया है ये यह यहाँ पे शुरू हो गया है शी ऑटो नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया किस साल लॉन्च हुआ ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 अप्रैल 2022 को कितने साल हो गए स्टैंड अप इंडिया को सात साल छः साल पाँच साल या चार साल तो देखिए ये छः साल हो गए हैं क्योंकि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा अब आप बताएं कि 10 में आपको कितने नंबर आए हैं टेन में कितने मार्क्स आए हैं मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए हैं शी ऑटो भी नहीं याद है आप लोगों को आंध्र प्रदेश कितने बार बोला गया था ठीक है ओके सो व्हाट इज योर स्कोर गाइस कोई बात नहीं नहीं कम आया तो नेक्स्ट सेट भी तो है फिर नेक्स्ट सेट में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है ठीक है तो देखते हैं 10 में शलेश एक्सीलेंट 10 में 10 आया है श्वेता को 10 में 10 आया है शहदात 4 बहुत कम हो गया उपासना 7 विपिन 6 करण 7 ज्यादा जो है सेवन है लक्ष्मी को नौ आया है शिवानी को आठ ठीक है नौ अंकेश श्वेता को दस में दस आया है सूची को नौ आया है ओके हेमंता तुमको एक क्यों वाई पूजा सात हिल राइडर ओके तो धीरे धीरे नहीं चला जाता है ये मेरा क्लास है यहाँ पे हम लोग बहुत स्पीड में चलते हैं ठीक है चलिए शुरू हो जाइए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट

पालतू तो दिवस आप लोग का भी होगा कुछ घोड़ा गधा नहीं हाथी नहीं ये सब तो नहीं हो सकते ठीक है कुत्ता बिल्ली तोता सुगा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ है ना सुगा मिठू कटोरे कटोरे तो ये जो पेट दिवस है ये कब होता है ग्यारह अप्रैल को होता है ग्यारह अप्रैल को आपका मिट्ठू कटोरे नहीं पेट दिवस ठीक है तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? यूपीएससी के चेयरमैन कितने साल के लिए रहते हैं या तो पैंसठ साल के लिए या तो छह साल के लिए जो पहले खत्म हो जाए है ना? अर्लिएस्ट तो यह आप बताएंगे कि यूपीएससी के नए चेयरमैन का नाम क्या है तो ये सबको पता है कि मनोज सोनी जी जो है वो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी पहले थे ठीक है नेक्स्ट पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो तेईसवें प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान के इनका नाम क्या है तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ जो कि पुराने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हैं और इमरान खान जो है इसके पहले थे और हर प्रधानमंत्री के साथ इमरान खान भी अपना पाँच साल पूरा नहीं कर पाए कोई बात नहीं फिर आप देखिए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स तो एस ई सी आई बहुत लोगों को लगेगा आंसर है कर्नाटका इसीलिए हम ऑप्शन में डाले ही नहीं कर्नाटका अच्छा टीचर हैं हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है एस ई सी आई अब आप बताइए कि कौन सा स्टेट इसमें टॉप कर रहा है तो गुजरात जो है इसमें टॉप कर रहा है उसके बाद केरला और पंजाब है और अगर आप छोटे छोटे स्टेट्स को देखेंगे तो गोवा कर रहा है, फिर त्रिपुरा और मणिपुर है और यूनियन टेरिटरी को देखेंगे तो चंडीगढ़ टॉप पे है फिर दिल्ली और फिर दमन दीऊ डी फोर डी फोर एंड समझ लो दमन दियू दादर एंड नागर हवेली ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल स्टेट्स में कौन टॉप कर रहा है तो ये क्वेश्चन तो बोनस क्वेश्चन हो गया क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं उसमें कौन टॉप करेगा सिक्किम गोवा मणिपुर त्रिपुरा देखिए आज मेरे पास टाइम बहुत है तो अगर एक घंटे से पाँच छः मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बाकी क्वेश्चन सारा आज हम कंप्लीट कराएंगे वैसा बात नहीं है कि कि एक घंटे में खत्म हो जाएगा ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन टॉप कर रहा है गोवा स्मॉल स्टेट में टॉप किया है ठीक है नेक्स्ट माधवपुर घेर मेला माधवपुर घेर मेला जो है ये होता है हर साल किस स्टेट में बिहार गुजरात राजस्थान या उत्तर प्रदेश किस स्टेट में ये होता है मोदी जी भी गए थे याद है तो ये होता है कहां पे गुजरात में और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसको इनाग्रेट किया था माधवपुर घेड़ मेला याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नए होम मिनिस्टर कौन बने हैं आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के कौन बन गए हैं ये तो बहुत बार बताए थे ऑप्शन देके शायद याद हो गया होगा आप लोगों को राजस्थान जो बोल रहे हैं ना चैतन्य तुमको पकड़ के मारेंगे चंचल तुम भी राजस्थान कह रहे हो ठीक है तो ये तानेती वनीता कानिती वनिता जो हैं ये होम मिनिस्टर बन गए कहाँ के आंध्र प्रदेश के क्लियर है चलिए नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं कौन बन गए हैं मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गाइस कम ऑन हरी अप दक्ष का बर्थडे है विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे है, दक्ष एंड ऑल द प्रोस्पैरिटी एंड सक्सेस इन लाइफ जल्दी से एग्जाम दो क्वालिफाई करो हाँ बिल्कुल और फिर मिलने आओ ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन बन गए यहाँ पे मेंबर जय शाह जय शाह सौरभ गांगुल में कंफ्यूज मत करिएगा जय शाह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अंडर नाइनटीन वेमेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो किस कंट्री में होने वाला है इंडिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया किस कंट्री में ये होने वाला है ये होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका में अब बताइए अपना स्कोर एवरी वन इम्प्रूव किया है परफेक्ट टेन किसको आया है ओके okay, गाइज थोड़ा जल्दी स्कोर बताइए ताकि आगे नेक्स्ट सेट को भी कंटिन्यू किया जा सके और मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज किया जा सके ऐसा क्यों हो रहा है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन हैं फिर भी आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं इंग्लैंड अच्छा क्या हुआ स्कोर आठ आया है को ठीक है चैतन्य को आठ आया है सत्यम को आठ आया है शैलेष को दस आया है दक्ष को दस आया है नितिन सात लक्ष्मी नौ लूडो तुमको चार आया है ठीक है मिस्टर कान सात 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 आठ नौ ठीक है लोकेश छः गगन नौ हाय कैसे याद है सबको अच्छा तुमको नहीं याद है बस बाकी सबको याद है चलो स्टार्ट तो अब टर्बन डे दे। देखो ये बहुत आंसर है इसका। टर्बन कब मनाया जाता है वैसा कि उसी अच्छा डेट में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा हम्म शायद ओके तो टर्बन डे जो है ये आपका तेरह अप्रैल को मनाया जाता है, सबात है इस दिन हम मनाते हैं, और फाइव हंड्रेड फिफ्टी थर्ड एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी मनाते हैं है ना तो दस्तर पगड़ी ये आपका हो गया टर्बन डे कब तेरह अप्रैल को नेक्स्ट थर्टी एट सियाचिन मनाया जाता है दस अप्रैल ग्यारह अप्रैल बारह अप्रैल या तेरह अप्रैल तो स्याचिन, स्याचिन कब होता है ये आपका होता है तेरह अप्रैल सियाचिन डे हम लोग तेरह अप्रैल को मनाते हैं ऑपरेशन मेक दूध के बारे में आप सबको पता है नेक्स्ट हाँ। आपको देखिए जैसे आप जिस चैनल से देख रहे हैं ना उसका आपका ऑफिशियल ग्रुप है अड्डा का तो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाता है फिर आप बताएंगे हैदराबाद एंड विथ सिटी ट्री सिटी ऑफ आप लोग का क्यों एनर्जी कम क्यों हो जाता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और किस सिटी को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है तो ये है आपका कौन सा मुंबई मुंबई और हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में आए हैं इंडिया के और ये लिस्ट कौन बना रहा है तो ये लिस्ट आपका एफ और यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एडबॉर्डे फाउंडेशन बना रहे हैं ठीक है, है? दीना मंगेशकर पुरस्कार फर्स्ट रेसिपियंट कौन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है लेकिन फर्स्ट रेसिपियंट जो है वो कौन है दीना मंगेशकर पुरस्कार के तो हमारे मोदी जी हैं ठीक है, है? मोदी जी जो हैं वो इसके फर्स्ट रेसिपियंट है एनर्जी तो ठीक है मेरा कि तुम्हारा क्या मनीष कुमार क्या आंसर देना है एक सेकेंड मनीष विलेज नाम क्या है इसके मेड़े तुमको मेड़े ही पे लिखना है बायोडेटा <coughs> इसमें मोदी जी हैं तुम ऑल जो कह रहे हैं वो आशा पाड़े जैकी श्रॉफ वो वाले हैं ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि जानवर को लीगल राइट दे रहा है वुली वुली मंकी याद है ऊनी बंदर तो ये कौन सा कंट्री है इक्वाडोर है इक्वाडोर क्या कर रहा है ये लीगल राइट दे रहा है एनिमल्स को नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया टी ट्वेंटी चीफ कोऑर्डिनेटर क्योंकि 2023 में जी ट्वेंटी का मीटिंग भारत में होने वाला है तो जी ट्वेंटी कोऑर्डिनेटर जो हैं उनका नाम क्या है हर्षवर्धन श्रृंगला चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जी ट्वेंटी के नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्कड़ी ये जो आर्चरी आर्कड़ी जो भी बोली निशानेबाज तीरंदाज तो ये कहाँ पे हो रहा है जमशेदपुर मुंबई गोवा या बेंगलुरु तो आंसर है जमशेदपुर झारखंड ये भी डिस्कस हो चुका है काफ़ी बार नेक्स्ट सवाल कि फोर्थ चौथी बार टू प्लस टू यानी कि हमारे दो मंत्री कौन से रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर और उनके दो मंत्री कौन से रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर ये हो रहा है कहाँ पे भारत और अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में राइट चले नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जा रहा है अमृत संगम तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर अमृत संगम किस मंत्री ने इसको इनोग्रेट किया है ये मंत्री हैं कौन से अमित शाह भले कल्चरल है लेकिन अमित शाह जी ने अमृत संगम को अभी अभी इनोग्रेट किया है फिफ्टी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है यह आप बताइएगा नीलमानी फुकान मत बताइएगा फिफ्टी सिक्स वो राइट तो कौन कनी ये हैं कनी में लिखते हैं ये कौन से हैं तो दामोदर मुजो अब बताइए अपना स्कोर वॉट इज योर स्कोर गाइज दामोदर मोज़ो हैं ठीक है वॉट इज़ योर स्कोर हाउ मच यू आर स्कोरिंग एवरी वन एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन ठीक है और कल देखो स्कॉलरशिप टेस्ट है एक बात बता देते हैं इंजीनियर्स जितने भी हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए कल हम लोग एक टेस्ट रखे हैं ए और जे का दस लाख रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा तो जितने भी ए और जे का प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी डिप्लोमा हैं और बी किए हुए हैं कल एक टेस्ट है जिसमें से साठ क्वेश्चन टेक्निकल से आएगा और बाकी 40 परसेंट क्वेश्चन जो है नॉन टेक से आएगा जिसमें जीके है इंग्लिश है रीजनिंग है न्यूमेरिकल एबिलिटी है और बाकी आपने जिस भी स्ट्रीम में अपना टेक किया हुआ है उसके क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोग अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक फॉर्म है उसको फिल कर दिए कल हम एक सेशन भी लिए हैं उसका स्कॉलरशिप सिलेबस पे तो वो इंजीनियर्स अड्डा पे लिए हैं उस उसके कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है उसको आप भर दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया फिर कल यानी कि 27 अप्रैल को सुबह दस बजे सारे टीचर आएंगे रजत सर आर के सर शिवम सर अवनीश सर मैं सारे टीचर्स वहाँ पे रहेंगे आपका एक टेस्ट होने वाला है ठीक है तो 27 अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल सुबह दस बजे वो टेस्ट होगा लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल फॉर्म को फिल कर देना है और इसमें आपको दस लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा मतलब आप जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप में दस लाख टेन लैक्स रुपीज़ मिलेगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा आप वो टेस्ट दीजिए फिर वन टू फाइव भी हो सकता है और अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया वन टू टेन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर उस फॉर्म को भरिएगा और टेस्ट दीजिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चलिए तो बढ़िया है आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आया है इस बार आठ नौ आया है सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्म कहाँ है देखिए अगर आप जाइएगा इंजीनियर अड्डा पे तो कल हम एक सेशन लिया उसमें मेरा फ़ोटो भी है शिवम सर का भी फ़ोटो है उसमें लिखा हुआ है सिलेबस सो so, सिलेबस के उसके कमेंट सेक्शन में देखिएगा कमेंट में देखिएगा एक फॉर्म आएगा गूगल फॉर्म फॉर्म क्या है ना कि वो आप रजिस्टर हो जाइएगा तो आपका हम भेजेंगे कैसे या आपको सेलेक्ट कैसे करेंगे तो नाम आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस फॉर्म पे है तो उसको भर दीजिएगा ठीक है तो कमेंट सेक्शन में देखिएगा गूगल फॉर्म आपको मिलेगा रजिस्टर करना ज़रूरी है तभी तो आपका डिटेल मेरे पास आएगा और फिर कल दस बजे आपको टेस्ट देना है तो प्लीज एकदम मिस मत कीजिएगा इस ऑपॉर्चुनिटी इस को मिस मत कीजिएगा बहुत जेनुन और बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हेल्प करे तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है नहीं पेड़ वालों के लिए नहीं है सबके लिए है जो पेड़ में है उनके लिए नहीं जो सब यूट्यूब पेड़ सब कुछ नेगेटिव मार्किंग हमको लगता है कि उसमें हम आप एक बार कंफर्म करेंगे हमको नहीं लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है मैम टेस्ट मोबाइल फोन से हो जाएगा बिल्कुल मोबाइल फोन से हो जाएगा बस थोड़ा नेट सही रहेगा ताकि स्पीड बढ़ा रहे आपका नहीं 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 पेड़ वालों के लिए सिर्फ नहीं है यूट्यूब और पेड वालों दोनों के लिए है जो भी स्टूडेंट हमसे इंजीनियर अड्डा पे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए है ठीक है कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं कि हम आपको जानते भी नहीं हो आपका नाम भी नहीं जानते हो और आप हमारे पुराने स्टूडेंट भी नहीं हो उनके लिए भी ठीक है तो जरूर उसमें आ जाइएगा कंप्यूटर से मोबाइल से लैपटॉप से बिल्कुल दे सकते हैं ठीक चले तो ये चैगस डे जो है ये आपका कौन सा है। अप्रैल है नेक्स्ट अंबेडकर जयंती कब होता है ये तो आपको पता ही होगा वेरी इजी क्वेश्चन ठीक कल हम एक शॉर्ट्स भी डाले हैं इंजीनियर अड्डा पे अगर आप देखिएगा तो एक शॉर्ट्स है जिसमें फुल फुल बॉडी दिख रहा है जनरली मेरा शॉर्ट्स इतना नहीं होता है तो उसमें भी आप देखिएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन दिख जाएगा अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो और वैसे आज के कमेंट सेक्शन में भी तो है नहीं आज नहीं है ठीक है तो वो शॉर्ट्स में देखिएगा आपको मिल जाएगा चले तो ये अंबेडकर जयंती इज अनुअल जयंती ये कब होता है ये आपका होता है चौदह अप्रैल को ठीक है फिर जाले वाला मास मास खैर कब हुआ है ये बता दें आप कमेंट सेक्शन में जाले वाला बाग मैसे केयर हुआ है आपका तेरह अप्रैल को ओके फिर आपका ई वाई एंटरप्रेनियर ऑफ द ईयर ई वाई एंटरप्रेनियर ऑफ द ईयर जो है वो कौन बने हैं ये आप बता दीजिए जल्दी से ठीक है एंटरप्रेनियर ऑफ द ईयर बनने वाले कौन है फाल्गुनी नायर फाल्गुनी नायर जो कि नायका की सीईओ हैं नायका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाते हैं लोग ऑनलाइन तो उनकी सी है फाल्गुनी नायर फिर एफ जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ तो आप बताइए कि हाँ वो सब भी बताया जाएगा अकाउंट नंबर जब आप सेलेक्ट होंगे तो वो सारा डिटेल लिया जाएगा तभी तो मोबाइल नंबर देना इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट होने के बाद कॉल करके आपसे सारा डिटेल मांगा जाएगा तो साउथ अफ्रीका में ये होने वाला है कौन सा टीम कौन सा टीम जीता तो ये जीतने वाले हैं नीदरलैंड नीदरलैंड एफ आई ए जूनियर वीमेन हॉकी कप जीत चुके हैं जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर इन 2023 हज़ार तेईस विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स तो ये कंट्री कौन सी है इंडिया है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड द पेडियार मेमोरियल पेडियार मेमोरियल समाथू समाथु वाडू वापुड़म वापूड़म जो है ये आपका तमिलनाडु में देखिए ऐसा ही होगा बीच बीच में वीक में एक दिन हम आपका टेस्ट ले लेंगे लास्ट दस दिन लास्ट पंद्रह दिन लास्ट एक महीने का ताकि आपको चीज़ें वापस से याद हो जाए हम लोग एसेट का मोनेटाइजेशन करने वाले हैं तो आप बताइए कि एसेट मोनेटाइजेशन हम लोग कितने का करने वाले हैं कितने करोड़ का तो ये आपका हो गया है 1.62 ट्रिलियन

पार्टनरशिप किया है किसके साथ कि लोग वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकें या इन्हेंस कर सकें कस्टमर के एक्सपीरियंस को ये माइक्रोसॉफ्ट है अब आप लोग अपना ये बताइए अकाउंट जिसका नहीं बना है वो अपने फादर का अकाउंट दे, दे देंगे या मदर का अकाउंट दे, दे देंगे किसी का भी अकाउंट दे सकते हैं उसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है ठीक तो ये माइक्रोसॉफ़्ट है अपना स्कोर बता दीजिए आप लोग ताकि हम लोग और फिर आगे एक और सेट कर लें एक गलत बाकी सब सही नो नाइन टेन टेन भी है इसमें सेवन ठीक है सेवन नाइन 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 टेन शिवानी शर्मा टेन ओके जया टेन परफेक्ट नाइन सिक्स फाइव या सिक्स 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 सेवन नाइन टेन ओके नाइन टेन ठीक है चलिए और स्कोर अच्छा था और इसको कंटिन्यू करते हैं। शिल्पी तो अपने ही देगी क्या चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि आईडीएसपी वाला तो ये क्वेश्चन आपको याद ही हो गया होगा छः अप्रैल है फिर आपका कौन साइज का जो डे है वो कौन सा है तो ये पाँच अप्रैल है इसको रिवाइज करें जल्दी से आंसर बताइएगा क्योंकि तुरंत तुरंत हो गया थर्ड हॉटेस्ट जो है वो चंद्रपुर है उसके बाद बिरसा मुंडा जयंती ये किसने लिखा है आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है ठीक है रिविजन हो रहा है थोड़ा जल्दी से फॉरन सेक्रेटरी जो है ये कौन है विनय मोहन कवात्रा हैं उसके बाद थर्टीन नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हुए हैं आंध्र प्रदेश में हुए हैं सैलरी पैकेज कहाँ आएगा एस में आएगा फिर आप बताएंगे टाटा ऐप कौन सा हो गया टाटा ऐप टाटा नियो हो गया अब क्वेश्चन देख के ही बता देना है शी ऑटो आंध्र प्रदेश ठीक है स्टैंड अप इंडिया कितना साल हो गया स्टैंड अप इंडिया का छ साल ओके अब आप बताइए कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है बारह तारीख को तेरह तारीख को चौदह तारीख को या पंद्रह तारीख को वर्ल्ड आर्ट डे कब होता है कला दिवस ये आपका होता है कब पंद्रह अप्रैल पंद्रह अप्रैल को आपका कला दिवस होता है वर्ल्ड आर्ट डे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट म्यूजियम कम्युनिटी म्यूजियम पे बनने वाला है? भारत का पहला कम्युनिटी म्यूजियम पे बनने वाला है? कहावरी yes, वन जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा वेरी गुड तो ये होने वाला है आपका कहां पे लेह लद्दाख में लेह लद्दाख में भारत का पहला कम्युनिटी म्यूजियम बनने वाला है दस हज़ार रन टी ट्वेंटी क्रिकेट कौन से सेकंड इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये स्कोर बनाया है टी ट्वेंटी क्रिकेट में दस हज़ार रन का ये प्लेयर है रोहित शर्मा रोहित शर्मा दस हज़ार रन बना चुके हैं और इसके पहले कोहली जी भी बना चुके हैं टी ट्वेंटी में चले नेक्स्ट कि सबसे फास्टेस्ट फास्टेस्ट हंड्रेड सिक्सेज इन हिस्ट्री ऑफ आई तो अभी आई चल रहा है और इसमें छक्के बहुत होते हैं ना सिक्सेज फ्री हिट्स होते हैं ठीक है नो बॉल पे. तो अब आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सिक्स जो है यानी कि हंड्रेड सिक्स ये हार्दिक पांड्या ने इसको स्कोर किया है और अभी ये गुजरात टाइटन के कैप्टन भी है ठीक है नेक्स्ट बड़ा पाव बोल रहा है क्या क्या मतलब है इसका अच्छा फिर नेक्स्ट सवाल है कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी हैज प्रेजेंटेड इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी तो ये जो कुष्ठ रोग है इसको दूर करने के लिए एक व्यक्ति काम कर रहे हैं आप लोगों को तो याद नहीं होगा खैर तो ऐसा हमको लग रहा है पर अगर किसी को याद है तो बड़ा अच्छा लगेगा देख के ओके ओके, ओके। शायद आपको याद है ठीक है तो इनका नाम क्या है भूषण कुमार भूषण कुमार इनका नाम है कुछ रोग पे इन्होंने काफ़ी काम किया है नेक्स्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड सर राचल हेडले मेडल ये बताइए किसको मिला है ये अवार्ड तो ये आप बताइएगा ये भी बहुत मतलब काफ़ी बार ही सुन उनके याद हो गया तो आपको भी याद हो ही गया होगा टिम साउदी इनको मिल गया है ये न्यूजीलैंड के पेस बॉलर हैं फास्ट बॉलर हैं ठीक है थीके? और बाकी अवार्ड्स भी आप देख सकते हैं एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ठीक है मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रंघालय तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा जितने भी प्रधानमंत्री उनकी मूर्ति बनेगी रोहित शर्मा थोड़ा मोटा है और मुंबई से है तो सब उसको वो वड़ा, वड़ा पाव बोलते हैं अच्छा तो ये देखिए ये प्रधानमंत्री श्रृंघालय जो है ये कहाँ पे होने वाला है ये आपका कहाँ पे बनेगा ये तो ऑब्वियस सब बात है कि ये दिल्ली का ही है है ना तो न्यू दिल्ली में आपका प्रधानमंत्री श्रंघालय बनने वाला है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ये आइसलैंड का कैपिटल है और आप लोग ही बताए हैं कि ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है नॉर्थ में ऐसा कैपिटल उसके ऊपर और कोई नॉर्थ में कैपिटल नहीं है ठीक है तो रेक जैक जा, जैविक ओपन चेस किसने जीता है तो देखिए ये जीतने वाले आर प्रगदानंद हैं आर प्रगदानंद जो है उन्होंने ये अवॉर्ड जीत लिया है फिर चेयर पर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के चेयर पर्सन कौन है तो इनका नाम है क्या नाम है जल्दी बताइए हाँ इकबाल सिंह लालपुड़ा इकबाल सिंह लालपुड़ा इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होने वाला है कल इसका कालसल से फिर मैच हुआ अच्छा फिर क्या हुआ ठीक है तो जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट इंडिया का वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि कितना होगा आठ परसेंट ठीक है आठ परसेंट ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है चलिए तो आप जल्दी से आप अपना स्कोर बताए एवरीवन बड़ा स्लो बता रहे हैं आप लोग देखिए अभी मेरे पास कितने क्वेश्चंस बाकी हैं बता देती हूँ अभी मैं हूँ स्लाइड नंबर 167 पे और मेरे पास 259 स्लाइड्स हैं तो अच्छा आज अच्छा, तो खत्म नहीं होगा कोई बात नहीं कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए आठ नौ आ रहा है फुल भी आ रहा है वेरी गुड तो कुछ थोड़ा जल्दी करते हैं ठीक है कि रेडियो अक्ष रेडियो अक्ष जो है वो आपका कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र है ठीक है नासिक नहीं है फिर नेक्स्ट है पौंडीचेरी का पुडुचेरी जो है ये चीफ मिनिस्टर कौन है पाण्डीचेरी के तो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है देखिए स्टालिन तमिलनाडु के हैं आंसर क्या हो जाएगा एन रंगा स्वामी एन रंगा स्वामी जो है वो यहाँ के सीएम है फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे लेकिन अब हमारे ग्रोथ के साथ हमारा डेवलपमेंट भी है क्यों क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बढ़त पाया है तो हमारा बढ़त जो है वो 12.3 परसेंट का है 12.3 परसेंट हम लोग ग्रो किए हैं पॉवर्टी कम हुई है नेक्स्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि मार्च में हमारा इन्फ्लेशन हुआ है महंगाई बढ़ी है कितने परसेंट की कितने परसेंट महंगाई बढ़ी है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से तो ये है आपकी 14.55 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना परसेंट बाहर से निवेश हो सकता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंट हमारा एफ हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में तो बीस नेक्स्ट एक्सट्रीम आई ये फास्टल डिजिटल पेमेंट के लिए है किस कंपनी का है ये एवेन्यू पेटीएम पे गूगल पे अमेज़ोन क्या है तो आंसर क्या है पे है पे नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक साल के लिए यहाँ के चेयरमैन बढ़ गए तो आप जल्दी से बताइए कि कौन हो गए नए चेयरमैन पटेल व्यास त्रिपाठी जी कपूर जी कौन है नए चेयरमैन तो इनका नाम क्या है इनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास कमलेश नीलकंठ व्यास जो है यहाँ के नए चेयरमैन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटका में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के नए एम्बेसडर अरे यार इतना धीरे क्या नहीं याद है आप लोगों को आंसर्स तो ये है रॉबिन उधप्पा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटका के ये बन गए हैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना लॉयड जो भी है ईस्टर्न इंडियन मार्केट के एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया अक्षय कुमार सौरभ गांगुली अमिताभ बच्चन या विराट कोहली तो आंसर क्या है सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्सरसाइज कृपान शक्ति कृपान शक्ति तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज टी एफ एफ आर ये कहाँ पे हुआ है किस स्टेट में तो ये स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में ये हुआ है ठीक है तो गाइज आज इतना ही रखते हैं कल भी हो जाएगा डोंट वरी ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल फिर डिस्कस कर लेंगे आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी तो आपको पता ही है कि आज वाई थ्री थ्री टू कोड यूज़ करने पे आपको फ्लैश सेल मिल रहा है यानी कि अगर अगर आप अगर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाते हैं तो स्टोर सेक्शन में सबसे ऐसे फोन रहेगा ना आपका तो यहाँ पे नीचे में स्टोर सेक्शन है वहाँ पे Y332 कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो जो भी क्लास आपको चाहिए चाहे आपको एफ़ कैट का क्लास चाहिए सी का क्लास चाहिए या किसी भी ए -E, या किसी भी जे -E का क्लास चाहिए या फिर आपको सी चाहिए सी आई एस एफ चाहिए एन डी ए चाहिए तो आज जनरली ये कोर्सेज़ आपको छः महीने के लिए मिलती थी लेकिन आज आपको ये कोर्सेज़ बारह महीने के लिए मिलेगी तो बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं साल में दो बार होते हैं तो आप दो बार उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं वाई तीन सौ बत्तीस इसका कोड है और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल के करंट अफेयर्स के साथ नए बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपको पता है हम कर देंगे डिस्कस उसका टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा और डिविजन की ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है ठीक है बाकी डबल डोज के बारे में आपको पता ही डिफेंस का डबल डोज तो यही है डबल डोज क्लासेस मिलेगा तो ये ले सकते हैं सीआईएसएफ का कोर्स है ये सब कुछ राइट प्राइस आप देख सकते हैं प्राइस भी कम हो जाएगा वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करने पर राइट यहाँ पे मैंने कोड यूज किया है प्राइस कम हो गया है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी ऑफर भी है नेक्स्ट यस yes. और जितने भी आपके हाँ जितने भी आपके महापैक्स से चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग लें मैकेनिकल इंजीनियरिंग लें इसमें जो लाइव क्लासेस हैं उसमें भी आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर मिलेगा जितने ए जेई के सबके क्लासेस शुरू हो चुके हैं तो ये सब में आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर मिल जाएगा और टोटल एस एस सी जेई में भी जितना भी आपका नॉन टेक का पोर्शन है जी के वाला वो मैं ही पढ़ा रही हूँ तो हाँ एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान यूपी अभी बाकी है अब तो उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो गया तो ये सारे कोर्सेज़ आपको आज डबल वैलिडिटी ऑफर पे मिल जाएंगे थैंक यू फॉर द सेशन और कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर पूछेगा स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा दस लाख का स्कॉलरशिप है थैंक यू